तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले आइए हम ये देख लेते हैं। तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमें पढ़ना है इसकी डिफिनेशन क्या होती है, हम इसके पहचान के बारे में भी बात करेंगे, आने वाले जो एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, इन सब चीज़ों का भी यूज हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ कुछ स्पेशल और कुछ टिपिकल सेंटेंस होंगे, जैसे कि सेंटेंस से फ्यूचर टेंस में लेकिन बन रहा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें तो लगा होता है, तो उसका जो है हम इनडेफिनिट में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं वो भी हमको सीखना है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं और विच वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये सब सीखेंगे हम इस टॉपिक में जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि टेंस के तीन डिवीजन थे, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, और उनके चार चार सब डिवीजन हैं जिनको हम इंडिफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो उसी का जो पहला डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का एक पहला पार्ट है जिसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो देखिए, इंडिफिनिट में होता क्या है, इंडिफिनिट का मतलब ये होता है कि किसी काम में इस टेंस के वाक्यों में क्या होता है, कोई तथ्य पता चलता है, कोई फैक्ट पता चलता है, कोई आदत प्रकट होता है इससे, या किसी सार्वभौमिक सत्य के बारे में बात होती है, या फिर किसी के रूटीन वर्क यानी दिनचर्या के बारे में बात की जाती है। जैसे कि अगर कहा जाए कि वह प्रतिदिन मंदिर जाती है तो इस समय नहीं जा रही है, अगर कहा जाए कि वह मंदिर जा रही है, वह प्रतिदिन मंदिर जा रही है, अगर जा रही है कहते हैं तो ये कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। जो एक्चुअली जो कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें रहा रही रहे सेंटेंस टेंस रहा रही रहे शब्द आते हैं, ये एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस होता है जो ये बताता है कि वर्तमान में ये काम हो रहा है। पर ये जो सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में आते हैं, इसमें ये नहीं पता चलता कि प्रेजेंट टाइम ये काम हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये कई दिनों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फैक्ट या आदत या फिर कोई सार्वभौमिक सत्य या फिर दिनचर्या प्रकट होता है। जैसे देखिए, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये एक तथ्य भी है, फैक्ट भी है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है तो ये क्या है, उसकी दिनचर्या है, ये दिनचर्या को बता रहा है कि ये भैया इसका काम है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर कोई मेहमान आया, उसने पूछा कि भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, स्कूल जाता है, तो ये अभी उसका डेली का वर्क है कि जो वो स्कूल जाता है, ये उसका रूटीन वर्क है। अगर कहा जाए कि वह राम जो है स्कूल जा रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में देखिए कहाँ है, तो राम स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस जाता है। हमें पढ़ना है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की जो डिफिनेशन है वो यही है कि इस टेंस में क्या होता है, कोई तथ्य पता चलता है या कोई आदत प्रकट होता है या कोई सार्वभौमिक सत्य या फिर कोई दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो सेंटेंस कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं, ये क्या है, ये कुत्तों की आदत है, ये हैबिट्स है। देखिए, जितने भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के आपको सेंटेंस मिलेंगे उनसे कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो है प्रकट हो रही होंगी, इन्हीं सब चीज़ों का भाव प्रकट हो रहा होगा। आप किसी भी सेंटेंस उठा के देखिएगा। तो इस प्रकार से इसकी पहचान क्या बनती है कि इन वाक्यों के अंत में देख रहे हैं हम, ता है आ रहा है, ती है आ सकता है, ते हैं, जनरली है, हूँ, हो, आदि शब्द आ सकते हैं या आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मुख्य क्रिया होती है, मतलब कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो अस्त होने की कोई काम होता है, यहाँ पर अस्त होने का कोई काम हो रहा है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो यहाँ पर जाने का कोई काम होता है। कुत्ते जिन्हें भी भौंकते हैं, तो यहाँ पर भौंकने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टेंसेस में क्या है, इन सेंटेंसेस में क्या है, कोई मेन वर्ब भी दिया है। लेकिन जब कभी मेन वर्ब ना आया हो, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना आया हो, जैसे कि मैं एक
अध्यापक हूँ। अब देखिए इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आया है, फिर भी एक ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक सेंटेंस है ये। जैसे कहा जाए तो मैं एक अध्यापक हूँ, या फिर वह एक डॉक्टर है, तो आप समझ लीजिए इसमें केवल हैं और केवल हूँ आ रहा है तो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा और एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, उल्लू एक प्रिय पक्षी नहीं है, या हम लिख सकते हैं नहीं होता है, बात दोनों एक ही है। अगर कहा जाए उल्लू एक प्रिय पक्षी नहीं है या फिर उल्लू एक प्रिय पक्षी नहीं होता है, दोनों बातें वही हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम लिख दें कि उल्लू एक प्रिय पक्षी नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रिय पक्षी नहीं है। तो अब ये मत समझिएगा कि इसमें ता है आया है तो भाई इसको जो है हम उसी नियम से बनाएंगे। इसमें देखिए इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं आया है, तो इन सब सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एज एम और आर का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होगा लेकिन उसके अंत में भी ता है हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका हम एज एम आर से सेंटेंस को बनाएंगे। ये सब बातें हमको जानना है इसमें। तो अब देखिए हम शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। अब असर्टिव सेंटेंस में जितने भी रूल हैं उनको हमें जो है यहाँ पर पढ़ना है। देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं या दो प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, इसमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है या बताया जाता है कि इसमें कोई काम होता है, और निगेटिव में किसी कार्य के न होने की जानकारी मिलती है। तो देखिए मैंने पहले से लिख रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V1 V5 का मतलब क्या होता है जरा इसके बारे में जान लें। जैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। V1 जैसे हो गया प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, फोर्थ फॉर्म को कहते हैं ING फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म जैसे हो गया प्लेज। यानी कहने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब SES लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं V5। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको लिख देंगे। तो इसका रूल जो है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम इसको कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा देना, इसी को कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट दिस नेम, ये सिंगुलर होते हैं, बाकी इनको छोड़ दें जैसे वी यू और दे, ये होते हैं प्लूरल। तो मैं लिख दे रहा हूँ यू वी और दे, ये इनके साथ ये जब सेंटेंस आएंगे यू वी दे या बहुत ज़्यादा सब चीज जब सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इनको छोड़ देंगे। बाकी अगर कोई सिंगुलर आता है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगाना है। जैसे लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, तो अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो लिखेंगे द गर्ल्स, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस हमारा बनता है पीछे से, तो खेलती हैं, तो खेलती का क्या होता है प्ले, लेकिन भाई मैंने कहा था कि लड़कियां ज़्यादा हैं तो हम V1 का यूज करेंगे, तो प्ले का यूज हो गया, तो V1 का यूज हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट, अब फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, तो द गर्ल्स प्ले और किस चीज़ से खेलती हैं, विथ डॉल्स। अब इसी के बाद ऐसे बनाना है रेलगाड़ी पटरियों पर चलती हैं, तो रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन्स की बात हो रहा है, द ट्रेन्स, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है तो द ट्रेन्स रन ऑन द ट्रैक्स। फिर बात करेंगे कवि बसंत की प्रशंसा करते हैं, द स्प्रिंग सीजन। बात करते हैं तोता एक प्रिय पक्षी होता है, अच्छी होता है। देखिए इन सब सेंटेंसेस में क्या था कि कोई मेन वर्ब आया था, जैसे खेलना, चलना, प्रशंसा करना। अब यहाँ पर देखिए तोता एक प्रिय पक्षी है या फिर तोता एक प्रिय पक्षी होता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए
हम जनरली इज एम आर के यूज करते हैं, ये मैंने पहले बताया था। तो लिखेंगे द पैरोट इज अ डियर बर्ड। इस सेंटेंस को देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। जब इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें कोई मुख्य क्रिया ना होता है तो फिर उसको इज एम आर से बनाते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो आई एम अ टीचर। अब जरा हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं शब्द आता है, तो नहीं शब्द के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं। तो डू और डज खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि डू सिर्फ एक वर्ब है जिसका एक फर्स्ट फॉर्म होता है डू, और फिफ्थ फॉर्म होता है डज, और सेकेंड फॉर्म होता है डिड। तो यहाँ पर हम डू लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। तो जब डू और डज पहले से लगा रखते हैं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर वी फाइव का यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वी वन का यूज करना होता है, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो रूल बनता है सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, और हमारा हो गया ये फार्मूला। तो देखिए पहला सेंटेंस है, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, तो हम चूँकि डू वी बहुवचन है प्लूरल है तो हम लगाएंगे वी डू नॉट। और उसके बाद गाली देने का होता है एब्यूज, किसी को नहीं तो हम लगाएंगे एनी वन, वी डू नॉट एब्यूज एनी वन। तारे दिन में नहीं चमकते हैं तो लिखा जाएगा द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। और इसका लिखा जाए वे अस्पताल नहीं जाते हैं, तो वे एक बहुवचन का सेंटेंस है, तो दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। और जरा इस सेंटेंस की बात कर लें, उल्लू एक प्रिय पक्षी नहीं होता है, तो ये सेंटेंस भी जनरल सेंटेंस है, मतलब कहने का ये है साधारण सेंटेंस है। तो उल्लू को लिखेंगे द आउल इज नॉट अ डियर बर्ड। तो ये तो हो गए कुछ आसान से सेंटेंसेस, कुछ जनरल रूल थे। अब जरा इसमें देखते हैं क्या एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब आइए जरा बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के सम स्पेशल सेंटेंस के बारे में। तो सम स्पेशल सेंटेंस में सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो सेंटेंस में आते हैं। तो इनको किस प्रकार से हम बनाते हैं, इनके लिए क्या रूल होता है। जैसे कहा जाए वह हमेशा रात में आता है, तो देखिए आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना होगा अगर कोई मेन वर्ब नहीं, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो। जैसे कि वह हमेशा रात में आता है तो ही, अब हमेशा के लिए हम लिखते हैं ऑलवेज। देखिए ऑलवेज माने हमेशा, ऑफन मीन्स प्रायः या हमेशा, रेयरली माने मुश्किल से, सेल्डम माने कभी कभी, समटाइम्स माने थोड़ी देर से या थोड़ी देर के लिए, समटाइम्स या कभी कभी भी होता है, यूजुअली मिस प्रायः होता है, नेवर मिस कभी नहीं होता है। तो वह हमेशा रात में आता है तो ही ऑलवेज। अब देखिए ही के लिए भाई ये चूंकि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, तो ही ऑलवेज कम्स एट नाइट। तुम प्रायः झूठ बोलते हो तो क्या हो जाएगा, यू प्रायः, तो यू ऑफन का यूज़ कर लें, और यू चूँकि प्लूरल है तो हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यू ऑफन टेल अ लाई। मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ तो आई सेल्डम माने कभी कभी, आई सेल्डम गो टू स्कूल। और बात करा जाए मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ तो कभी नहीं आ जाता है, तो हम नेवर का यूज़ करते हैं, तो आई नेवर। अब देखिए ये सेंटेंस निगेटिव तो है पर इसमें हम डज नॉट या डू नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कभी नहीं के लिए हो गया नेवर, तो फिर डू नॉट डज नॉट की कोई वैल्यू नहीं रह गया यहाँ पर, तो आई नेवर ड्रिंक। तो आई नेवर ड्रिंक से भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई वाइन या फिर कोई अल्कोहल लिखने की जरूरत नहीं है, आई नेवर ड्रिंक का मतलब हो जाता है शराब पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो आई नेवर ड्रिंक। तो इस प्रकार से हमारा सम स्पेशल सेंटेंसेस में नंबर एक जो था वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के यूज था, कि कहाँ हम सेंटेंस में करते हैं। अब बात करते हैं जरा दूसरे टॉपिक पर, अपने दूसरे स्पेशल सेंटेंस की तरफ। देखिए लिखा है जब सेंटेंसेस में तो आ जाए मतलब जब किसी चीज़ को इंफेसाइज करना हो, अपनी बात को इंफेसाइज यानी दबाव डाल करके बोलना हो,
तो हम क्या लगाते हैं, तो मैं तो रोजाना मंदिर जाता हूँ, इस तरह का सेंटेंस आ जाए। मैं तो, जब सेंटेंस में तो आ जाए तो हम क्या करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या कोई भी सेंटेंस हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब को यहाँ यूज़ करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। ओके, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू। आई डू गो टू टेम्पल एवरी डे। आई डू गो टू टेम्पल, यहाँ पर डू का यूज़ कर देना है तो के लिए। यहाँ पर देखिए, श्याम कॉलेज आता तो है, तो है, तो श्याम डज। अब यहाँ पर देखिए एक डज लग गया है, तो यहाँ पर कम्स नहीं होगा, केवल कम होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। श्याम डज कम टू कॉलेज, परंतु, बट कक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो बट ही डज नॉट द क्लास, अटेंड द क्लास। तो बन जाएगा श्याम डज कॉलेज बट ही डज नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर देखिए हम डज का यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, तो के लिए। यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया, डू का। फिर तीसरा सेंटेंस ये होगा कि जब सेंटेंस में कोई आदत दिखा रहा हो, आदत जब कोई प्रकट हो रहा हो, जैसे कि आदत के लिए अगर आदत प्रकट हो रहा हो, तो हम एडिक्टेड टू का यूज़ करते हैं या फिर एकस्टम्ड टू का यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में किसी चीज़ का आदि होना दिखाया जाए, मतलब उसकी आदत प्रकट हो उससे, तो हम वहाँ पर एडिक्टेड टू या फिर एकस्टम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह शराब बहुत ज़्यादा पिया करता है, तो हम लिखेंगे ही एकस्टम्ड टू मच, बहुत ज़्यादा, तो टू मच ड्रिंकिंग। ही एकस्टम्ड टू तो लगेगा ही लगेगा, और टू मच बहुत ज़्यादा के लिए ड्रिंकिंग माने पीना, ठीक। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही एकस्टम टू मच ड्रिंकिंग। इस तरह के सेंटेंस हम आदत वाले बना लेते हैं। अब जरा बात करते हैं अपने फोर्थ स्पेशल सेंटेंस पे, लिखा है जब फ्यूचर टेंस में कोई कार्य अपने निश्चित समय पर हो, फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस हो और वो अपने निश्चित समय पे सुनियोजित हो, यानी सुनियोजित समय पर जो है प्रारंभ हो या स्टार्ट हो, जैसे टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएं। देखिए, टेस्ट मैच खेलना या फिर प्रधानमंत्री सोमवार को कोलकाता जाएंगे, तो ये देखिए ये काम ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, इनको अपने समय पर ही प्रारंभ होता है, यानी ये क्लियर होता है, ठीक। यानी कि जब बात फ्यूचर टेंस की हो, लेकिन फ्यूचर टेंस में बिल्कुल कन्फर्म हो कि ये होना ही है उस टाइम पर, तो हम ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, तो टेस्ट मैच अगर हम बना देंगे विल से, तो सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। इसको बनाएंगे टेस्ट मैच प्लीज टुमारो, देख सकते हैं, टेस्ट मैच प्लीज टुमारो, इसको हम प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के रूल से बनाए हैं, क्योंकि टेस्ट मैच कल खेला जाएगा ये बिल्कुल कंफर्म है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो टेस्ट मैच प्लेस टुमारो, तो देखिए रूल भी बताया गया है कि जो ज़्यादा कंफर्म लगे 90%, जैसे कि मान लीजिए आपका टिकट हो चुका है, अगर आपका टिकट 5 तारीख को हुआ है या आने वाले 10 तारीख को हुआ है, तो आप अपने दोस्तों से क्या कहते हैं कि भाई आपका टिकट हुआ कोलकाता के लिए, तो आप कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ कोलकाता, तो जा रहा हूँ यानी कि आप जा रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ अभी तो जा नहीं रहे, आप आने वाले समय में जाएंगे, 10 तारीख को जाएंगे, लेकिन जब आपका बिल्कुल श्योर हो जाता है, आप जब बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि मैं जाऊंगा ही, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, ठीक। तो हम उसको प्रेजेंट में ले आते हैं, फ्यूचर की बात को हम प्रेजेंट में ले आते हैं। उसी प्रकार से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में लगते हैं, पर हम यूज करेंगे उसको, बनाएंगे प्रेजेंट इनफिनिट के नियम से। अगर कन्फर्म नहीं है, जैसे कहा जाए कि मैं लखनऊ जाऊँगा, अब ये कंफर्म नहीं है, डेट नहीं क्लियर है, या मैं दिल्ली जाऊंगा, डेट आपकी कंफर्म नहीं है, तो आप यही कहोगे कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडिफिनिट से बनाते हैं, लेकिन आपका जब डेट क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनाते हैं, जब वो कार्य ऑफिशियल हो, जैसे ऑफिशियल मतलब टेस्ट मैच खेला जाना, ये एक ऑफिशियल वर्क है,
प्रधानमंत्री जी का कोलकाता जाना ये एक ऑफिशियल वर्क है, यानी कि ये पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव बनेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली जाएंगे 10 तारीख को तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, ये आप पर्सनल वर्क से जा रहे हैं। ठीक, तो टेस्ट मैच प्लेस टुमारो हो गया, प्रधानमंत्री सोमवार कोलकाता जाएंगे, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर गोज टू कोलकाता ऑन मंडे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में बनाते हैं जब हमारा कोई वर्क बिल्कुल अपने समय पे निश्चित समय पर सुनियोजित हो, यानी कि काम हो अपने निश्चित पर। तो इस प्रकार से आपके ये चार स्पेशल सेंटेंस थे जो असर्टिव सेंटेंस में अक्सर आते हैं, इनको हमने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो गया समाप्त, तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। इन टेंसेस, इन सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। अब प्रश्न पूछने के दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, एक सेकेंड टाइप जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में ये सेंटेंस क्या से शुरू होंगे। और डबल इंट्रोगेटिव उसको कहेंगे जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे कि वह मुझे प्यार क्यों नहीं करता है, तो क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, और यहाँ पर क्या वह मुझे प्यार नहीं करता है ये सेंटेंस के पहले आया है क्या, तो ये फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप। मैंने फार्मूला लिख दिया है डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, और सेकेंड में केवल क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट टाइप के जैसे ही होता है। तो क्या बनेगा, क्या वह मुझे प्यार नहीं करती है, तो डज, अब डज लिखने के बाद हम वह लिखेंगे, सी है, लड़की है कोई, डज सी नॉट लव मी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और यहाँ पर क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे वाई, और फिर बाकी सब वैसे ही बन जाएगा, वाई डज सी नॉट लव मी क्वेश्चन मार्क। फिर बात करेंगे अगला सेंटेंस की, क्या चंद्रमा हर रात को चमकता है, तो डज द मून शाइन एवरी नाइट। करें चंद्रमा हर रात को क्यों नहीं चमकता है, तो हम केवल वाई लगा देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा। उसके पिताजी कहाँ काम करते हैं, तो कहाँ आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वेयर, अब उसके पिताजी यानी डज हिज फादर, उसके पिताजी सिंगुलर हैं तो डज लगा दिया, वेयर डज हिज फादर वर्क क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये थे कुछ जनरल सेंटेंस। अब हम जरा बात करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव में स्पेशल सेंटेंस जो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इंट्रोगेटिव में कुछ स्पेशल सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे हु वाले सेंटेंस और विच वाले सेंटेंस। तो हु वाले और विच वाले सेंटेंस के बारे में बात कर लें, तो हु वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तुम्हारी मदद कौन करता है। तो देखिए, ये आपको सेकेंड टाइप का लग रहा है ये सेंटेंस, ये दोनों सेकेंड टाइप के ही हैं, कि तुम्हारी मदद कौन करता है और तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो देखिए, दोनों में क्वेश्चन वर्ड बीच में ही आया है, तो दोनों में जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंट्रोगेटिव है, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव का है ये। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हु, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखना है हमको हेल्पिंग वर्ड डू या डज। तो हम डू या डज हम किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट हिसाब से। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी मदद कौन करता है। ये तुम्हारी तो हो गए भाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुम्हारी मतलब जो हेल्प करेगा वो होगा सब्जेक्ट, जिसकी हेल्प होगी वो होगा ऑब्जेक्ट। तो हेल्प किसकी हो रही, तुम्हारी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मदद करना ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी मदद कौन करता है। तो मैं बता दूं कि कौन का जो जवाब आएगा, कि मान लीजिए तुम्हारी मदद पिताजी करते हैं, तो पिताजी तो ही सब्जेक्ट होंगे। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, कौन को ही हम मान लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि कौन ही तो कर रहा होगा सहायता,
तो हम कौन को मान लेंगे सब्जेक्ट, तो अगर हम कौन को मान लिए सब्जेक्ट तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं रह गया। अब इसको हम सब्जेक्ट मान लिए तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के ये इंट्रोगेटिव नहीं असर्टिव है, तो सब्जेक्ट हो गया हु, और हु चूँकि सिंगुलर का यहाँ बता रहा है कि ये सिंगुलर कोई एक व्यक्ति सहायता कर रहा होगा, तो अब हम इसको बनाएंगे अफर्मेटिव रूल से असर्टिव रूल से। तो मान लीजिए असर्टिव रूल से बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस होगा, यानी कि वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी क्योंकि ये फर्स्ट सिंगुलर है। तो हु हेल्प्स, हेल्प्स मीन्स मदद करना, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ये सेंटेंस बनता है वो इस प्रकार से बनता है, हु हेल्प्स यू, अब इसमें डू या डज नहीं लगेगा, तुम्हारी मदद कौन करता है, तो हु हेल्प्स यू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हम इसको असर्टिव के रूल से बनाते हैं जब सेंटेंस में कौन आ जाता है। अगर कहा जाए तुम्हें कौन नहीं पसंद करता है, तुम्हें कौन नहीं पसंद करता है या तुम्हें पसंद कौन नहीं करता है, तो ये निगेटिव हो गया, तो इसमें बनाएंगे हु डज नॉट लाइक यू, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये सेंटेंस निगेटिव बना, ये सेंटेंस अफर्मेटिव बना। तो मैं उम्मीद करता हूँ हु वाले सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और ऐसे ही बनाएंगे। फिर बात करेंगे विच वाले सेंटेंस की। तो देखिए मैं बता दूँ, जब सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, किसकी, किसका, इस तरह के वर्ड आ जाएँ, क्वेश्चन मार्क आ जाएँ, तो इसके साथ दिया गया जो नाउन होगा ये भी क्वेश्चन वर्ड में लेते हैं, बाकी सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, विच बुक, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद डू या डज, तो डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। तो इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जो स्पेशल सेंटेंस थे वो हो गए समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी तो हो गई है, पर मैं क्या करूँ, इसको बताने के लिए समय तो लगेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।